समुदाय के लोगों में अजीब सी खुशी देखने को मिली। शांतिपूर्ण तरीके से एक तरफ पूजा अर्चना की गई तो दूसरी तरफ नमाज अता। 12 अगस्त का दिन लोगों के लिए बेहद खास दिन के रूप में सामने आया। शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि एक ही सावन का अंतिम सोमवार और बकरीद का त्योहार एक साथ मनाया गया। एक तरफ जहां मुस्लिम समाज के लोगों में बकरीद को लेकर उत्साह देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोगों में भी सावन के अंतिम सोमवार पर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने का उत्साह दिखाई दिया। वहीं दोनों ही बड़े धार्मिक स्थल मैनपुरी शहर में लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे, इसलिए यह दिन बेहद खास और माना गया है। नगर के प्राचीन भीमसेन मंदिर में जहां भगवान शिव के भक्तों की पूजा अर्चना करने के लिए लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी, लोगों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए और होड़ दिखाई दी, उत्सुकता दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर ईदगाह पर भी हजारों की संख्या में लोग बकरीद की नमाज अता करने के लिए पहुंचे और अल्लाह के सजदे में सर झुकाते हुए ईद की नमाज को अता किया। ऐसे ही नज़ारे कुरावली ईदगाह में भी देखने को मिले। वहीं करहल में भी बड़ी ही उत्सुकता और कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। यहां भी मंदिर और ईदगाहों में धार्मिक कार्यक्रम का दौर देखने को मिला है। बेवर में भी ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले। भोगाव से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। कुल मिलाकर 12 अगस्त के दिन पूरे जनपद में एक बार फिर कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। दोनों धार्मिक स्थलों से पूजा अर्चना का दौर खत्म हो गया तो हिंदू और मुस्लिम भाइयों को एक अलग ही तरीके से सावन के अंतिम सोमवार और बकरीद को मनाते देखा गया। बहुत बहुत हो गए और ये 91 से चल रहा है। बहुत ही दुआओं के साथ हिंदुस्तान में एक दूसरे के साथ ये मनाने का मौका मिलता है। ये खुशियों का त्यौहार है, कुर्बानी का त्यौहार है, सेक्रीफाइस का त्यौहार है। ये संदेश देता है हमें आपकी भाईचारे का, आपकी मोहब्बत का।